जीरो। नाइन। ओके, हाँ ये कोई नहीं, आंसर है कोई नाइन होगा, नाइन होगा, बिकॉज नाइन कॉमन लोगे नहीं। ना, तो sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, तो sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है, ये वैल्यू जो है ये वन होती है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ये, तो नाइन इंटू वन नाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। वन प्लस टैन थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में है, इसका तरीका ये हो सकता है, शॉर्टकट तरीका कि ऐसा करो 30 डिग्री रख दो, 30 या 45 डिग्री जो भी अच्छा लगे तुम्हें वो रख दो, वैल्यू कोई रख करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो भी उतना ही मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड होगा। सर एक डाउट है बोलो। सर, आरडी शर्मा से है सर। हाँ एक मिनट, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, इसको कंप्लीट करने दो चार पार्ट को, उसके बाद देखते हैं। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे ना, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा फिर। देखो एक किसी एक को चेंज करके देखो, तो ये वाला ब्रैकेट जो है ना इसको चेंज करो, सर टू है शायद इसका। मैं दूसरे ब्रैकेट को ना चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वन प्लस टेन थीटा माइनस वन बाई साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ। तो होगा क्या, इससे क्या होगा कि इससे कोई फायदा लग नहीं रहा है वैसे, मुझे सबको चेंज कर देते हैं तो ठीक रहेगा। वो चेंज करने दो सर, सबको साइन और कॉस के टर्म में। सर यस, टू आ रहा है आंसर, सर टू है। हाँ सर टू ही आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा, तो इसका जब एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लोगे तो इन दोनों का तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए जो है ना वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और बी आपका यहाँ पर वन है, वन, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आ जाएगा आंसर, कैसे सॉल्व करोगे, ए प्लस, यस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और माइनस वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये जो है ना ये वन से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन से वन ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और टू साइन थीटा बाई इंटू कॉस थीटा बाई ये आ जाएगा, तो टू आंसर आ जाएगा। सर थर्ड का कॉस है। सर अरे कौन से है? थर्ड थर्ड में क्या करना है बेटा, थर्ड में देखो, थर्ड में आप लोगों को ये वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए है, और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए, तो थर्ड में देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए न्यूमरेटर में, और वन माइनस साइन ए तो पहले से ही है, और डिवाइडेड बाय कॉस ए का एलसीएम जो था वो कॉस ए था, तो वन प्लस साइन ए इंटू में वन माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हाँ, और कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए, ये आंसर। फोर्थ पार्ट का सर टेन फोर्थ का स्क्वायर है। टेन सर स्क्वायर फोर्थ का टेन स्क्वायर है। सर टेन स्क्वायर है। ठीक है, फोर्थ यार क्वेश्चन, डी फोर्थ में क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर दो अपने आप, कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए को लिख दो, या कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे, उससे भी हो जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सर, ऐसे भी सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर है। ऐसे और बिल्कुल, आइडेंटिटी डायरेक्टली एप्लीकेबल है।
हाँ बिल्कुल, इसको हम सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं और नीचे वाले को कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और फिर सेक स्क्वायर ए को इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा तो 10 स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसमें कुछ बच्चे कर चुके होंगे, ये सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो बच्चे डाउट पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी, अपना एफर्ट भी बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि किसी से कमजोर रहने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, आप कोई डाउट पूछ रहा था, बोलो क्या डाउट है बेटा। सर, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 21/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन फिर से बोलो एक बार, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। 2x² प्लस 5x प्लस के। हाँ, इसके अल्फा बीटा जीरोज है, ठीक है, और उसके बाद। सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हाँ प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो, -2 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा कितनी है, 5/2, -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर कर दो। अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है तुम्हें क्या है, K/2 है, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके इस इक्वेशन को। ओके सर, सब बन आएगी। ओके, यस सर। ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि 3 या 4 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आई थिंक आएगा, 3 मार्क्स वाले में, प्रूव करने के लिए, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक्यूट एंगल्स के लिए ये जो आइडेंटिटीज हैं इसको प्रूव करो, मतलब एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करके दिखाओ। तो सभी बच्चे पेन पेपर यूज करते हुए सॉल्व करेंगे इसको ऑनेस्टी के साथ। सर 10 के 10 ये रिजल्ट्स याद भी रख लेना, नहीं, सब पास। सर इसमें एक्यूट एंगल तो है तो हम 90 से छोटे ही लेंगे ना। हाँ, लेकिन एंगल मतलब ये तो उन्होंने क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ऐसा लिख दिया है, ठीक है, ओके सर। एंगल तो लेना है ही नहीं हमें कोई, हमें तो आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो कोई पर्टिकुलर एंगल लेकर के तो करेंगे नहीं। सर डन, फर्स्ट वन। सेकेंड करो। सर डन, सेकंड। देखो, थोड़ा सा मैंने इसमें शॉर्टकट लगाया है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा जिन्होंने नहीं किया है, जिन बच्चों ने। कॉसेक थीटा को 1/(sin θ) लिख देंगे,
कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर भी करना है, तो इसको एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर भी कर दिया मैंने, और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और शॉर्टकट मैंने ये लगा दिया कि इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, आइडेंटिटी से, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये भी 1 का स्क्वायर हो रखा है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर एक 1 माइनस कॉस थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपके पास ये आरएचएस आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया इस तरीके से। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को मजा आता है। दो तीन रीजन है, एक तो एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, दूसरी बात ये कि बच्चों को अच्छा लगता है करना, और करना भी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो उससे जो है आपकी प्रैक्टिस होगी, और कहीं ना कहीं उससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। वैसे ये बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। सेकेंड पार्ट देखो, ओके, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं मैं, एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस ले आएंगे। तो एलसीएम लेंगे बेटा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा, और फिर ये कॉस ए से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस में 1 प्लस साइन ए से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से अगले वाले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 1 प्लस साइन ए को, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और डेनोमिनेटर में आपको पता ही है क्या है, 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए बन जाएगा, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, और साथ ही साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो रखा है कॉस ए के साथ। फिर आप ऊपर न्यूमरेटर में 2 को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन ए, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, और फिर ब्रैकेट में कॉस ए है। अब आप देख ही सकते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, तो 2 अपॉन में कॉस ए है, तो 1 अपॉन में कॉस ए को क्या लिखा जाता है, ये जो 1 अपॉन में कॉस ए है, इस 1 अपॉन डेनोमिनेटर में जब सेके. सेके. हाँ, डेनोमिनेटर में जब कॉस होता है तो उसको सेक लिखते हैं, तो सेक ए हो जाएगा, तो 2 सेक ए आ गया, यही आपका आरएचएस है। तो hence proved LHS is equal to RHS. LHS को simplify करते हुए हमने क्या देखा, थोड़ा बहुत हमने पहले square कर दिया, a plus b whole square से इसको expand कर दिया, उसके बाद हमने cos square a plus sin square की identity लगा दी, फिर हमने 2 common ले लिया, फिर हमने 1 plus sin a से 1 plus sin a को cancel कर दिया, फिर हमने देखा यहाँ पर कि 1 by cos a है, तो उसको sec a लिख देंगे, हो गया proof question। नेक्स्ट देखो, ये भी आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है इसको भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डीपीपी कर ली थी ना तुम लोगों ने सॉल्व? यस सर, दोनों सॉल्व हो गए। वेरी गुड। सर लेकिन एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गया, वरना 95% रहता है एक्यूरेसी। ओके
वैसे इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आपको साइन और कॉस में लिख दो इनको। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको आइडेंटिटीज अगर पता हो ना तो सॉल्व तो कर ही लोगे इसको, भले ही दो तीन स्टेप्स एक्स्ट्रा लगे लेकिन सॉल्व हो जाएगा ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि सॉल्व नहीं होगा। सडन, वेरी गुड। जैसा जैसा लिखा हुआ है उसी को मैंने ब्रेक कर दिया, टेन को लिख दिया है साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख दिया है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यही होती है आइडेंटिटी। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना आपको पता है कैसे करते हैं। तो देखो करो इसको सॉल्व, इसमें कुछ खास बात नहीं है। साइन थीटा इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एलसीएम होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या होता क्या है कि ये ऊपर चला जाता है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसा आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगले स्टेप में आएगा ये कॉस थीटा फिर से इसके साथ, सॉरी कॉस थीटा फिर से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और डेनोमिनेटर में साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, आपको दिख यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं चाहूँ ना तो इसको क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना इसमें से क्या किया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का माइनस हो गया। आप देख सकते हो ये प्लस का माइनस हो गया अभी, ठीक है, लेकिन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एलसीएम लेना अब आसान हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो गया, और फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो गया इसका। और जानते ही हो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब ये साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। और फिर अब क्या होगा इसमें ना, नाइन्थ क्लास वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी, प्लस ए बी, प्लस ए बी, ये होती है आइडेंटिटी। ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज इसमें बार बार यूज होंगे तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ये नाइन्थ क्लास वाली आइडेंटिटी। तो देखो बच्चों क्या हो गया, डेनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में सेम क्वांटिटी आ गई, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। उसके बाद बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वन होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एज इट इज रहेगा, और डेनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने का मतलब है वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे इसको, वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा। देखो वन बाई साइन क्या होता है, वन बाई साइन होता है कॉसेक, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा, और वन बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा, और प्लस में ये वन हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो वन, ठीक है बच्चों। यही आपको आरएचएस में करना था प्रूफ, वन प्लस यही आपका आरएचएस था, हेंस प्रूफ्ड आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। आई होप समझ में आया होगा सबको, कोई डाउट किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। यस सर। ओके।
इसको डिलीट कर दूं बच्चों फिर? एक बार आप लोग दोबारा घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन करो। करने का तरीका ये होगा कि LHS में अगर हम देखें तो sec a दिया हुआ है, और RHS में sin और cos है, तो LHS में जो sec a है उसको cos में चेंज कर सकते हैं। LHS सर डन वेरी गुड। सर, इसमें साइन स्क्वायर ए को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यस सर। ओके, तो LHS में जो ये sec a है ना बेटा, इस sec a को आप क्या लिख सकते हो? 1 by cos a, होता ही है ये फार्मूला होता है, ये तो डेफिनेशन ही था कि sin और cos को हमने डिफाइन किया था अपोजिट साइड हाइपोटेनस एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस उससे, और फिर उसके बाद sec a जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, या यूं कहें कि cos a जो है वो sec का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो LHS की बात करें तो LHS में दिया हुआ है 1 plus sec a अपॉन में sec a। अब इसको मैंने क्या कहा आपको कि sec a को लिख दो 1 by cos से, तो फिर क्या हो जाएगा, और यह नीचे में भी क्या हो जाएगा 1 by cos से, तो आपके पास जो है LCM आएगा यहाँ पर cos a plus 1 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में आ जाएगा cos a 1 by cos से, तो ये cos a से तो cos a कैंसिल हो गया, नहीं तो क्या आ गया, ये 1 plus cos a केवल बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया, करेक्ट है। अब इस 1 प्लस कॉस ए को चाहो आप तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लिख दो, ठीक है, और ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए लिख दो, मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में सबको? सर हम RHS को भी तो सिंपलीफाई कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। बिल्कुल, RHS को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, RHS को सिंप्लीफाई करके हम 1 प्लस कॉस ए निकाल लेंगे, तो उस तरीके से भी LHS RHS को हम बराबर दिखा सकते थे, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए को, तो वो भी यही निकल के आएगा, तो फिर आप कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, और नहीं तो आप 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तक पहुंचने के बाद, ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहली बात तो इसमें यह कहा गया है कि cos a स्क्वायर a वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, cos a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, और ये सब के सब जो दिए हुए हैं ये cos sin में है, तो cos sin में है तो इनको तो पहले cos a और cot में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ना डिवाइड कर दो sin से, कैसे अभी बताता हूँ। ये दिया हुआ है, क्यों ना इसको हम सबको सभी को
साइन से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये कि न्यूमरेटर में भी सारे टर्म्स को साइन से, सभी टर्म्स को साइन से, और डेनोमिनेटर में भी सभी टर्म को साइन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे हो क्या जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए होता है कॉट ए, क्या होता है बेटा कॉट ए, कॉस ए बाई साइन ए, और ये क्या बन जाएगा वन बाई साइन ए, वन बाई साइन ए क्या बन जाएगा कॉस सेक ए, और ये -1 क्योंकि साइन ए बाई साइन ए मैंने 1 को लास्ट में लिखा है, इसीलिए था तो ये मिडिल टर्म लेकिन मैंने उसको लास्ट में लिख दिया, एंड में लिख दिया। फिर नीचे डिनोमिनेटर में देखो कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए, सॉरी, फिर इसके बाद 1 बाई साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए, और जो ये मिडिल टर्म है साइन ए बाई साइन ए उसको मैंने एंड में लिख दिया 1। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे सर, हम -1 को उसके टर्म में लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट सर, स्क्वायर। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस। हाँ, ये जो 1 है ना, ये 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये लिखी हुई है ना यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, वही यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे भी डेनोमिनेटर में भी जो 1 जहां पर लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिख सकते हो, कैसे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको मत छेड़ो, इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक स्किप करने वाला हूँ एक टर्म, कि ये जो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना, इसको हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, तो इसमें होगा क्या कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो होगा ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक्चुअली में कॉमन आ जाएगा। यस सर, कॉमन आ जाएगा, हाँ, आगे तो कट और जाएगा। हाँ, और फिर क्या होगा, माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए ऊपर रह जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने, मुझे लगता है कर दिया मैंने गड़बड़, ये समझ में आया सबको, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए फिर से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखो वही चीज है, ये भी यहाँ भी वही है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से भी ये चीज आ जाएगी दोबारा, और फिर उसके बाद कॉसेक ए माइनस साइन के साथ, और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा कॉट ए का। तो ये आई थिंक अगर आपके समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना बेटा, ठीक है। हाँ सर, आ गया। हाँ, ये कैंसल हो गया, देखो कैंसल हो गया, तो बच क्या गया फिर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, वो ही आर एच एस है, वही था आर एच एस, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इस तरीके से, एनी कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन बेटा, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। यस सर, आ गया। ओके यार, ये तो बहुत इजी हो गया। इसको तो जैसे 1 प्लस साइन ए से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर हाँ डिनोमिनेटर सर, में, एडिशन रैशनलाइज ऐसे करते हैं। रैशनलाइजेशन से, जैसा रैशनलाइजेशन करते हैं ना वैसे ही। हाँ तो वन प्लस साइन ए है डेनोमिनेटर में, 1 माइनस साइन ए है, तो इसको अगर आपको जैसे रैशनलाइज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या कि डेनोमिनेटर जो है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेनोमिनेटर तुम्हारा बन जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डेनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वन माइन कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, स्क्वायर ठीक है, और रूट ले लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, हो गया, इस तरीके से करना था। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, अलग अलग का मतलब है 1 अपॉन में कॉस ए एक बार में लिखेंगे, और दूसरा टर्म जो है वो साइन ए बाई कॉस ए लिख देंगे। सर, आपने वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट करवा दिया? हाँ, वो कर लिया था ना, यस सर, कर लिया था। यस सर, यस सर, सर, मुझे
साइन 15 वगैरह की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइन 15 की वैल्यू ए माइनस बी के फॉर्मूले में लिखते हैं ना, वो तुम्हारे कोर्स में कहां है? वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो 15 डिग्री मॉड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन वो एनटीएससी में भी नहीं आएगा, ठीक है? एनटीएससी में भी सिलेबस के अंदर की चीजें आती हैं, तो वो ज्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो देख लेंगे, बाद में हम लोग करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है एनटीएससी में, इसीलिए उसको रहने देते हैं, बाद में टाइम मिलेगा ना। हाँ, बाद में टाइम मिलेगा तो वो देख लेंगे फिर, एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी है। सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा, ये आर एच एस है, यही हो गया, यही प्रूफ करना था, एल एच एस आर एच एस इक्वल। सर ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप नया चैप्टर कराओगे? इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री ही है, देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना वो। सर के वो वाले क्वेश्चन भी तो कराओगे एनटीएससी वाले? करेंगे, वो भी करेंगे, पहले पूरा कर लेंगे, उसके बाद एनटीएससी के भी क्वेश्चंस करेंगे। सर हो गया वाला भी? ओके, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है वो बच्चे करो ये क्वेश्चंस, ऐसे सारे सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ट्राई करके आना चाहिए था आज की क्लास में। सर सारे ट्राई कर रखे सर, दो दो बार, मैंने पांच पांच बार कर रखे। ओके सर हो गया, ठीक है। देखो जिनका जिनका नहीं आया वो देख लो एक बार। एल एच एस है साइन थीटा माइनस टू साइन पावर थ्री थीटा, कॉस पावर थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और डेनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बच जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, खाली एक वाले को कर लो, ऊपर न्यूमरेटर को कर लो, न्यूमरेटर को ना साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और डेनोमिनेटर में जैसा है वैसे ही छोड़ दो। बच्चों को ये थोड़ा सा पजल करेगा कि क्यों डेनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर को कर दिया, दोनों में से किसी एक को करना था, या तो इस ऊपर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा में, या डेनोमिनेटर में जो है उसको चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करने पर प्रूफ आएगा, नहीं तो वैसे ही हम घूमते रह जाएंगे, इसीलिए ऐसा किया है। तो इसलिए मैंने कहा था ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेंटल मेंटल जो है। दोनों को भी ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे आएगा, तो वो भी कैंसिल होकर तो यही बना देगा। हां सर वो भी आ जाएगा, मैंने वैसे ही करा है। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया बच्चों, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और डेनोमिनेटर में क्या आ गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास सिंप्लीफाई होकर के टेन थीटा बच गया, ये साइन बाय जो कॉस था ना, ये साइन बाय कॉस, तो वो बच गया बाकी, और ऊपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो यही आपका आर एच एस था, तो एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया। दो तीन क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चों ने ट्राई नहीं किया होगा, तो उनके लिए एक हिंट की तरह होगा, पहले तो वो खुद से ट्राई कर लें, वो बच्चे जिन्होंने नहीं कर रखा है क्वेश्चन को, पहले एक बार खुद से घर पे ट्राई करेंगे आइडेंटिटीज को सामने रख के, और फिर भी दिक्कत हो समझने में तो आप वीडियो भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार। सर हमें पता कैसे चलता है कि हमें यहाँ पे इस वैल्यू की जगह, मतलब जैसे कॉस की जगह कुछ और रखना है? वो कोई तरीका नहीं है उसका, उसका हिट एंड ट्रायल ही तरीका होता है, और हिट एंड ट्रायल आपका हिट एंड ट्रायल तभी काम करेगा जब आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एक इंट्यूशन सा आएगा कि ऐसे होता है, ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके सर, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, जैसे इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ना तो साइन और कॉसेक है,
और राइट हैंड साइड देखोगे तो टेन और कॉट है, तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें साइन से या कॉस से हमें टेन में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज और भी देख करके आइडिया लगेगा, जो इंट्यूशन ये होगा कि इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ये होगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये होगा, लेकिन दोनों मिलकर के वन हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, करते जाओ करते। ये भी है कि कॉसेक स्क्वायर ए से अगर हम कॉट स्क्वायर ए माइनस करेंगे तो वन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से देखें तो वन साइन ए का एलएचएस है, एलएचएस है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर। तो अभी तो मेरे ख्याल से जो सभी बच्चों के दिमाग में यही आएगा, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि इसको ए प्लस बी की आइडेंटिटी से, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको हम पहले एक्सपैंड कर दें। सबके दिमाग में यही आएगा, है कि नहीं? हाँ, तो यही करेंगे। पहले करो तो सही, इसको करो तो अपने आप पता चला जाएगा। ऐसे ही अगले वाले का भी स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट का, तो ये आ जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से। अब हुआ क्या कि ये साइन ए इंटू कॉस ए के वन होता है, साइन ए इंटू कॉस ए के वन होता है और सेक ए इंटू कॉस ए भी वन होता है, ठीक है? तो साइन ए इंटू कॉस ए के वन होगा तो वन इंटू टू टू हो जाएगा, और यहां से भी टू हो जाएगा तो टू टू फोर हो गया, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी वन होता है, ठीक है? तो यहां से हो गया फाइव, टोटल कितना मिल गया? फाइव मिल गया हमें, करेक्ट है? और प्लस में बच क्या गया? अब ये दो चीजें खाली बच गई है, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बच गया। एग्री करते हैं सभी बच्चे? बाकी सब तो हो गया काम, कैसे हो गए? हाँ, कि भाई ये 2 sec a into cos a 1 होता है, sec a into cos a क्या होता है? 1 होता है। मतलब यहाँ पर चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि sec a, रीजन इसका आप यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पर लिख भी देना कि ये 1 होता है और cos a k into sin a भी 1 होता है, ठीक है? ये 1 होता है, इसकी वजह से ये 2 टू 4 हो जाएगा और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। तो ये भी आप चाहो तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हो। तो आपके पास ये तीन रीजन की वजह से ये क्वेश्चन जो है, ये सॉरी ये स्टेप जो है, ये सिंप्लीफाई होकर के इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं फिर से, कॉसेक स्क्वायर जो है वो वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर जो है वो वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो ये 5 1 6 1 7 हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, आरएचएस है यही, ठीक है? Hence proof. आप यहाँ पर रीजन रीजन ये भी लिख देना कि कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, बहुत लिखना पड़ रहा है भाई, और सेक स्क्वायर ए जो है वो वन प्लस टेन स्क्वायर ए है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप लोग ये स्किप मत करना, पूरा सारे स्टेप जो है ओवर एक्सप्लेन कर देना, ओवर एक्सप्लेन कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, कम एक्सप्लेन करने में कभी कभी नंबर कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लेन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बेटा देख सकते हो आप कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ये जो ऊपर में जो दिख रहा था यहाँ पर, ये LHS, LHS is equal to RHS. करते जाओ करते जाओ, होता सॉल्यूशन तो होगा ही, इस एक्सरसाइज में ऐसी कोई खास बात नहीं है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो ही जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर आज मैट करेंगे, देखते हैं मैट, देखते हैं मैट में, वैसे एक ही चैप्टर बचा हुआ है अभी इस फेज का, इस फेज का सर कर लेते हैं आज, देखते हैं ये लगता है सर। अब तो क्लॉक और कैलेंडर बचा होगा ना। अब मुझे लग क्या लगता है ना कि उसमें ना पूरी एक क्लास मैट में ही लगेगी, क्योंकि वो पूरा मैथ्स ही है वो, स्पेशली कैलेंडर। क्लॉक तो फिर भी आसान है, जो कैलेंडर है ना वो पूरा का पूरा फिर से नंबर सिस्टम जो था ना एक चैप्टर, नंबर सिस्टम में मैंने रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कई बच्चे ना कई बच्चे इरिटेट हो गए होंगे, तो वो कैलेंडर जो है वो वही है, वही बिल्कुल वही चीज ही है, बल्कि उससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था एग्जाम से, बिल्कुल एग्जाम से थोड़ा एकदम एक दिन पहले बताऊंगा, लास्ट क्लास में बताऊंगा वो, ताकि बच्चों को ना याद रहे। सर तो कलर पट्टी तो नहीं, सर वो लास्ट कल भी क्लास है ना, कल भी क्लास तो पैसे भी है। हाँ ठीक है सर, फेस टेस्ट का सिलेबस क्या है? फेस टेस्ट में तो यही सेकंड फेज पूरा ही आएगा ना, सिमिलर ट्रायंगल एपी हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, और क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और ये ट्रिगोनोमेट्री, और अगला चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वो भी आएगा। इसलिए मैं हाँ देखते हैं बेटा इसको ना, पहले आज हम लोग मैथ्स ही कर लेते हैं, आज हम लोग मैथ्स ही कर लेते हैं, कल की क्लास जो है मैथ से स्टार्ट करेंगे,
मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और टाइम अगर बच गया तो मैथ्स भी कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है पूरा टाइम मैथ में ही कर लग जाए। ओके वेरी गुड डन सर डन। ये जो बाकी बच्चे हैं उदय शर्मा, तनिष्क, प्रणय, प्रखर, ये सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे सॉल्व बच्चों? यस सर कर रहा हूं सर। विशेष गोयल, यश गुप्ता, याशी, युगांक, यस सर कर रहे हैं। सौरभ, साची, तो यहां से भी थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो। क्या आइडिया लगा सकते हो कि कॉसेक में है और टेन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा भाई, कन्वर्ट कैसे होगा, तो ये देखते हैं। चलो कुछ कुछ करते रहो, हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही है कि करते रहो ना, जैसे कॉसेक को आपके दिमाग में क्या आएगा कि कॉसेक को क्या कर दें, 1/sin कर दो। 1/sin है, हां बिल्कुल 1/sin। हाँ, सबसे बेसिक जो आइडिया दिमाग में आता है वो यही आता है कि इसको 1/sin कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, है ना, ठीक है। जो आपके दिमाग में आया अच्छी बात आई है दिमाग में, ठीक है, इसको कर दो आप, और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो 1 - sin² ये हो जाएगा, और दूसरे में कौसे कॉमन सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो कौसे एलसीएम ले लेंगे तो 1 - cos² ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये 1 - sin² ये क्या होता है, 1 - sin² क्या होता है, cos square ये होता है, cos square, हाँ, और इनटू में 1 - cos² क्या होता है, sin square ये होता है, तो ऐसे लिख देंगे। अभी ध्यान से आप देखो तो क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और एक साइन ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, साइन ए कॉस ए बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो या तो आप इतने पे ही छोड़ के आर एच एस को भी सिंप्लीफाई करके ये कर दो, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो आप भाई, साइन ए इंटू कॉस, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन है, ऐसे लिख सकते हैं सर, आरएचएस ज्यादा इजी का इसमें। अच्छा हाँ, आरएचएस बिल्कुल मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है, तो आरएचएस को ही कर देते हैं। तो ये वन को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे लिखने वाला था, ठीक है, और फिर दोनों साइड में ऊपर नीचे साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आप आरएचएस अप्रोच ज्यादा यूजफुल हो सकती है ना हमें एग्जाम में। नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपको आरएचएस को भी सॉल्व करके करोगे ना तो भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेन ए प्लस कॉस ए, अगर एनटीएससी में कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो ये अप्रोचेस वहां पे यूज हो सकते हैं ना? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चैप्टर ही यूजलेस चैप्टर है, कोई काम का है ही नहीं, किसी काम का नहीं है चैप्टर, ठीक है, बस खाली बच्चों का थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज हो रहा है, बस आइडेंटिटीज वगैरह याद, पीछे वाली नाइन्थ क्लास वाली आइडेंटिटीज वगैरह लग रही है, नहीं तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ दें सर चैप्टर छोड़, अब ये तो मैंने नहीं कहा है, तुम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, मैंने कहा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेकार सा चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ ही दिया जाए, ठीक है, छोड़ना नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ खास है नहीं, एक्साइटमेंट नहीं लग रही है मुझे कुछ इसमें, ये कह रहा हूँ मैं, लाइफ में यूज नहीं, हाँ मतलब एप्लीकेशन इसका कुछ नहीं है। अब देखो तीन ही तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, उसी पे अब उसी को यूज करते हुए लाखों क्वेश्चन बना लो, तुम करते रहो बड़े दिन, उसमें क्या हो जाएगा, क्या मजा आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब अभी हाइट एंड डिस्टेंस आएगा तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिख, तो उसमें ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें, तो वो एक अलग चीज है। देखो ये वन हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि LHS is equal to RHS हो गया इस तरीके से। जो LHS निकल के आया था वही RHS equal to RHS करना है, मतलब वैसे ही sin a into cos a को तो directly 1 upon tan a plus cot a में कैसे करेंगे proof? डायरेक्ट तो अभी बताया था ना, इसी को साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, मतलब वन इसके डिनोमिनेटर में वन है तो उसको कर देंगे, ये जो आया हुआ है ना इसी स्टेप के बाद क्या करेंगे, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, डिनोमिनेटर में वन लिख सकते हैं, लेकिन वन को तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर में तो वन हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जब तुम साइन स्क्वायर ए को साइन ए कॉस ए से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, टेन ए, और कॉस स्क्वायर ए को जो साइन ए कॉस ए से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ए, हो गया आरएचएस,
इस तरीके से, लेकिन जरूरत नहीं है, आप RHS को RHS दोनों को सिंपलीफाई करके और फिर दोनों को दिखा दो कि दोनों के दोनों जो है वो साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल है, उससे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उससे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये आइडेंटिटीज जो है ना इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है कि कोई एक एंगल ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें मान लो 30 डिग्री पुट कर दो और चेक करके देख लो LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा, या 45 डिग्री ले लो जिस पे डिफाइंड हो, जिस पे डिफाइंड हो, जैसे कॉसेक का 0 डिग्री डिफाइंड नहीं होता, इसलिए 0 डिग्री नहीं ले सकते। तो कई बार अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो उसमें वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके भी जिस पे डिफाइंड हो जिन वैल्यूज के लिए, वो वैल्यू चेक करके भी आप देख सकते हो, मतलब आप कर सकते हो इस तरीके से, कभी कभी काम कर जाता है वो तरीका। बच्चों इसमें हमें LHS को दिखा दिया कि LHS साइन ए कॉस ए आ रहा है, RHS को भी ऐसे सिंपलीफाई करके दिखा देंगे कि कॉस ए साइन ए आ रहा है, दोनों बराबर हो गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से ट्राई करना, जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब वार्निंग है एक तरह से कि करना ही चाहिए था आप लोगों को, अब तक नहीं किया है तो एक बार कर लेना, और नहीं समझ में आया तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। अब ये देखो तीनों चीजें हैं, तीन चीजें हैं इसमें, तीन पार्ट्स हैं इसके, LHS, RHS और बीच में भी है मिडिल, मिडिल पार्ट, मिडिल हैंड साइड, मिडिल पार्ट। सर मतलब हमें पहले फर्स्ट को सेकंड से करना पड़ेगा, सेकंड को थर्ड से, तो फर्स्ट को थर्ड से आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा 10 स्क्वायर 1 का 10 वाला, तो हमने पहले भी किया था फूल का आसपास। LHS क्या होगा सर? आइडेंटिटी से क्या होगा ये sec square? सर sec square है, और नीचे क्या sec square है? सर ये LHS पहला वाला है, इससे ये तो हो गया। तो यही आपका RHS भी है। ठीक है, अब हमें दिखाना ये है कि जो ये मिडिल पार्ट है ना, ये भी इसी के बराबर है, tan square a के बराबर ही है मिडिल पार्ट, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? साइन ए कॉस ए में चेंज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, बिल्कुल सही बात, साइन ए बाय कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए और होल स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो एलसीएम लोगे ना तो कॉस ए आ जाएगा और ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाय, ओहो हो हो, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन। तो ध्यान से देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा बट माइनस वन आ जाएगा, नहीं कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है, तो माइनस वन है और साइन ए ऊपर चला जाएगा कॉस ए, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टेन क्यों? क्योंकि ये माइनस वन है ना ऊपर, माइनस वन, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर ए ही होता है, ये तो पता ही है आपको, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस प्लस का झंझट ही खत्म यहाँ से। तो ये आपका आ गया हेंस प्रूफ, इस तरीके से लिख सकते हैं LHS मिडिल पार्ट एंड RHS सबके सब इक्वल है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। यस सर, यस सर, यस सर। मुझे एक डाउट था, बोलो दूसरे क्वेश्चन में, एक बोलो बोलो सर, वो नोट कर लोगे आप मतलब अभी प्रूफ? बोलो बोलो, हाँ बोलो सर। 1 प्लस साइन थीटा, हाँ, माइनस कॉस थीटा, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सही लिखा है देखो तो? सही है, ओके। तो इसमें 1 प्लस साइन थीटा को सर ए मान लेंगे ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी नीचे। हाँ, इसमें तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये जो 1 माइनस, इसको ना ऐसा करो कि
जैसे कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं LHS को ना, LHS में cos थीटा से, मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, cos थीटा से डिवाइड करूंगा ना तो ये बन जाएगा sec थीटा, और ये बन जाएगा tan थीटा, और ये बन जाएगा माइनस वन, क्योंकि cos से डिवाइड कर रहे हैं सबको बेटा। और डिनोमिनेटर में जो है ना ये भी बन जाएगा इस तरीके से, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखना कि ये जो वन है ना, ये वन ऊपर में न्यूमरेटर में वन, उसको ना तुम लिख दो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a को भी आप sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर भी sec a प्लस tan a है, तो sec a प्लस tan a कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा ये, ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, एक काम करो, एक काम करो कि न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है ना उसको मत छेड़ो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसमें चेंज करो, जैसे sec sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन है उसको एज इट इज रहने दो, ये जो वन है ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वन लिखा हुआ है इसको लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये मेरे ख्याल से आ तो जाना चाहिए था आसानी से, क्या दिक्कत आ रही है। वैसे आपने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना ऊपर, ये उससे हो नहीं रहा, मैंने सॉल्व किया था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, कुछ तो इसमें मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिस्टेक, कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, क्योंकि ये एक पार्ट को ना चेंज करके क्या कुछ कुछ जो, नहीं नहीं आरएचएस की बात नहीं है, मुझे लग रहा है न्यूमरेटर में जो है ना, न्यूमरेटर को देखना कहीं प्लस माइनस का साइन में तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ध्यान से देखो एक बार फिर से, मैं उसमें ऐसे ही है, मैं अभी देखा सेम है, यही है, यही है। ओके ठीक है, रुक जाओ, तो देख लेते हैं, इसका तरीका यही है करने का कि आप ना इसको पहले कॉस से डिवाइड कर दो, तो कॉस से डिवाइड करोगे ना यही बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन अपॉन में, डिनोमिनेटर में बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस में वन, ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब इस वन को चेंज करना है मान लो मुझे, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर मैं वन को यहाँ पर न्यूमरेटर में चेंज करूंगा, डिनोमिनेटर दोनों में चेंज करके देख लेते हैं चलो एक बार, तो दोनों को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा, एक तो आएगा, और ऊपर क्या बचेगा, दोनों में तो चेंज करने का कोई फायदा है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं है, ये आ जाएगा वन, और माइनस में sec थीटा और प्लस में tan थीटा। देखो ये वाला पार्ट यहाँ नीचे कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो वो तो आ नहीं रहा है, तो मुझे तो इसमें लग रहा है कुछ, एक मिनट रुक जाओ ये एक मिनट रुक जाओ, मैं ना तुम्हें अभी ये इसमें मॉड्यूल में, तुम्हारे मॉड्यूल में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसमें से देख के मैं बताता हूँ कि करेक्ट क्वेश्चन क्या है वो, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें खास बात ये थी कि ऊपर नीचे दोनों में से किसी को भी चेंज करके नहीं होता है ये सॉल्व, ये एक को ही चेंज करके होता है सॉल्व, न्यूमरेटर में या मे बी डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये इसमें खास बात यही थी इस चैप्टर में। ये तो नहीं है, रुको अभी दिख नहीं रहा है मुझे, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग अभी मॉड्यूल में, मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा उसको देख लेंगे, पहले अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और इसमें कुछ पार्ट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको घर पे। सर क्वेश्चन सही है, बिल्कुल हो गया मुझसे, ये क्वेश्चन, यस सर क्वेश्चन यही है, हो गया मुझसे, ओके मेरे से भी हो गया, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के ना इसको सिंपलीफाई करके फिर और आसानी से हो जाएगा। मैंने तो सर मैंने 1 प्लस sin थीटा को ब्रैकेट में ले लिया, माइनस cos थीटा कर दिया, मैंने भी वही किया है, बस होल स्क्वायर करके आ गया ये बाकी, यस सर उससे हो रहा है, हो रहा है ये सर, क्वेश्चन हो रहा है सर, आप करो, सर आप करो क्या यहां पे कंपोनेंट और डिविडेंड, सर 1 प्लस sin थीटा और उस, नहीं नहीं एक सेकंड कंपोनेंट और डिविडेंडो कैसे लगाएंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के लिए आप करो क्या, 1 प्लस sin थीटा को आप कोई कांस्टेंट मान लो, a मान लो या b मान लो, और उसके बाद a माइनस cos थीटा
और a प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो लगाओगे सर तो ऊपर में बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा माइनस 4 कॉस थीटा इंटू a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा माइनस 4a इंटू माइनस 1 आ जाएगा 4a। उसके बाद सर 2a स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में a की वैल्यू पुट करेंगे तो सर आ जाएगा 4 प्लस 4 साइन थीटा और 4a में a की वैल्यू डालेंगे तो 4 प्लस 4 साइन थीटा आ जाएगा तो वो सेम आ जाएगा। हाँ ठीक है सही है। देखो ऐसे ही आ गया। लो देखो मेरे ख्याल से मैंने 10 में कन्वर्ट करके ना कुछ मिस्टेक कर दी थी। ये देखो कैंसल हो गया। इसको तुम्हें क्या करना था बच्चे, इसको ना साइन से डिवाइड कर दो सभी टर्म को। जैसे मैं कॉस से कर रहा था ना, साइन से डिवाइड कर दो। तो साइन से जब डिवाइड करोगे तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। साइन बाई साइन क्या हो जाएगा, 1 जो लास्ट में मैंने लिख दिया है। और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बात है कि जो न्यूमरेटर में 1 है ना, न्यूमरेटर में 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 को, और 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो उसको फिर से मैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो गया, और इससे जो है तुम्हारे पास आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और इसको तुम 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस बाय साइन लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, करेक्ट है सर। आपको होल स्क्वायर करना चाहिए। यस सर। क्या कह रहे हो सर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर भी है। हां आई एम सॉरी होल स्क्वायर है ये, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या गड़बड़ हो गया, होल स्क्वायर तो छूट ही गया, होल स्क्वायर भी है। तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद जो है आप देख ही सकते हो इसको क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, और डेनोमिनेटर में साइन थीटा का स्क्वायर है। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, और डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये एक वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, आर एच एस के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हाँ एक तरीका और भी है कि 1 प्लस साइन थीटा ना, इसको जैसे रैशनलाइजेशन जैसे करते हैं ना वैसे ही कर दो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। उस तरीके से भी करोगे ना तो सिंप्लीफाई होके यही आ जाएगा, ठीक है वो। अच्छा इसमें खास बात यही थी, देखो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था इसमें, ये कॉस से साइन से डिवाइड करने पर तो ये प्रूफ हो रहा है इजिली, ये प्रूफ हो रहा है, लेकिन इसी को मैं 10 में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में यही खास बात थी कि इसमें ना 10 में कन्वर्ट करके करोगे तो नहीं होगा, लेकिन कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करके करोगे तो इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये इसमें एक बड़ी क्वेश्चन ना वैसे होंगे ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन दोनों प्लस प्लस है, उसमें ऑपोजिट साइन होने चाहिए प्लस माइनस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे साइन कोई भी हो प्लस माइनस। सर ऑपोजिट साइन से तो सर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना आसान होता है। नहीं इसमें तुमने, अच्छा मुझे तुम ये बताओ, मैं बच्चों थोड़े से तुम लोगों से टाइम ले रहा हूँ, ठीक है थोड़ा टाइम, एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड कैसे लगाएंगे, मुझे समझ नहीं आया। सर मैं बता रहा हूँ इसमें ना आप करो क्या, थ्री टर्म की चीजों का होल स्क्वायर हो रहा है, आप थ्री टर्म को टू टर्म बनाने के लिए 1 प्लस साइन थीटा को एक साथ लेके एक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मान लो बस, ठीक है। अब ये a माइनस कॉस थीटा अपॉन a प्लस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर का सम जो है सर वो हमेशा जो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा। और अगर इन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जो है माइनस कर दे तो सर वो माइनस 4a। नहीं नहीं एक मिनट, माइनस कैसे करेंगे इसको सर, कंपोनेंट और डिविडेंड में वही तो होता है पहले। एक मिनट, कंपोनेंट और डिविडेंड ये होता है कि अगर दो रेशियोज बराबर हैं तो हम उसको ऐड कर देते हैं इस तरीके से दोनों साइड में, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यस सर, तो वही तो करना है। तो कैसे, स्क्वायर लगा हुआ है हाँ, तो उसको स्क्वायर ओपन करके कर दो। स्क्वायर ओपन करके करूंगा मतलब मैं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसको
इसको लिखूंगा जैसे ए स्क्वायर लिखूंगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा माइनस टू ए कॉस थीटा लिखूंगा अपॉन में, अपॉन में सर ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू कॉस थीटा। हाँ और ये सर बराबर है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा के, दोनों साइड ये आप कर दो। नहीं 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 सुनो 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 सुनो, ये दोनों बराबर नहीं है, हमें बराबर प्रूव करना है सर। अगर हमने दोनों को बराबर लेके आरएचएस और एलएचएस इक्वल प्रूफ कर दिया तो सर क्या उससे नहीं, नहीं, ओहो कहां प्रूफ किया है, यही तो प्रूफ करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो तब लगाते हैं जब दो रेशियोज ऑलरेडी इक्वल गिवन होता है, तब लगता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पर तो ये इन दो चीजों को हमें बराबर प्रूव करना है, तो प्रूव करने के केस में हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगा देंगे सर? अगर हम इन दोनों को एक साथ एक बार के लिए जो है हम प्रूफ करके और उसके बाद इक्वेशन सेटिस्फाई करा देंगे तो इसका मतलब हमारा assumption नहीं, नहीं, है, वो भी तो नहीं कर है, सकते हैं। नहीं, वो तरीका नहीं होता है प्रूफ करने का, मतलब ये नहीं होता है प्रूफ करने का, मतलब ये होता है कि आप अपने एफर्ट से दोनों चीजों को बराबर दिखाओ, दोनों चीजों को बराबर मानते हुए किसी टर्म पे आप पहुंच गए कि सपोज टू इज इक्वल टू टू पे पहुंच गए, तो इसका मतलब प्रूफ करना नहीं माना जाता है उसको। उसमें आप एग्जाम में गलती मत कर देना, नंबर कट काट लेंगे वो, तीन नंबर में एक नंबर देंगे वो, क्योंकि आप दोनों चीजों को बराबर लेते हुए अगर आप किसी स्टेप पे पहुंच जाते हो दोनों को इक्वल मानते हुए तो उसमें नंबर कट जाएगा बच्चे, नंबर काट लेंगे वो, तीन नंबर में एक नंबर मिलेगा, ध्यान रखना इसका, गलती मत कर देना ये, ठीक है? ये सही अप्रोच नहीं है। ऑब्वियसली वो बराबर तो होंगे ही, अगर आप दो चीजें बराबर प्रूव करने के लिए कहा गया है तो इतना तो सही है कि दोनों दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो कहीं स्टेप में आकर के वो दोनों क्वांटिटीज बराबर तो होंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, बराबर होगा ही, तो कुछ ना कुछ तो इक्वल आ ही जाएगा, सेटिस्फाई तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उसको प्रूव कर दिया तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, वो वेरिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग हो गया, वेरिफिकेशन की तरह हो गया वो, तो एग्जाम में मत लिख देना इस तरीके से, नंबर कट जाएगा, ठीक है बच्चे? एक मिनट रुक जाओ। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। टर्म्स के बीच में जो साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे वो चेंज होते रहे, वन प्लस है माइनस हो गया और वो जो प्लस हो माइनस हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हो? ये सर ये जो प्लस माइनस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ सकता है, वो फर्क पड़ सकता है किसी किसी, मैं तो बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम्हें इससे सरप्राइज होना चाहिए था, ठीक है? कि मुझे लगता है कि देखो तो सही मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को मैंने जो प्रूव किया है उसमें मैंने क्या किया है कि साइन से डिवाइड किया है सबको, साइन से डिवाइड करने पे तो हो गया ये इजिली सॉल्व हो गया, लेकिन मैं इससे पहले क्या कर रहा था, कॉस से डिवाइड करके टेन में कन्वर्ट करके कर रहा था, नहीं हो रहा था। तो ये कोई जनरलाइज रूल नहीं होता है कि माइनस का साइन ऊपर नीचे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ सकता है, ठीक है? बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, मतलब जो आपने इससे पहले वाला ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉस से डिवाइड किया था, उसमें साइन जो थे एकदम डिफरेंट थे इस क्वेश्चन से। अच्छा तो वो तो वही कह रहा हूँ ना कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं, वो तो क्वेश्चन फ्रेम करने की बात है, मतलब हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि साइन चेंज हो जाएगा या कुछ सेम हो जाएगा तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो कुछ कुछ से कुछ हो सकता है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कैसे चलेगा कि साइन से डिवाइड करना है कॉस से डिवाइड करना है, वही प्रॉब्लम है ना, कैसे सॉल्व करना है? हाँ तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसी तरीके का है कि साइन और कॉस वाला केस जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, कि साइन से डिवाइड करना है कॉस से डिवाइड करना है ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे आपको नहीं करना था, ठीक है? ये हो सकता है कि स्ट्राइक करे भी ना, तो तरीका क्या है इसको करने का, कि इसको करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक तरीका क्लास के अभी क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक है? वो थोड़ा लेंदी तरीका है, लेकिन लेंदी तरीका है, लेकिन वो तरीका मैं बताऊंगा अभी, तो पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। ओके बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग स्टार्ट, और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चार मार्क का एक क्वेश्चन आएगा गारंटीड, सिलेबस से डिलीट तो नहीं कर दिया भाई इसको? नो सर। ठीक है, अच्छी बात है। नो सर, फोर मार्क्स गारंटीड, कहीं नहीं जाएगा चार मार्क्स इसमें, ठीक है? तुम्हें गिनती से 30-40 क्वेश्चन करने हैं, 30-40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आसान आसान ही होते हैं, बाकी मान लो कि 15-20 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना है आरडी शर्मा की बुक से, आरडी शर्मा की बुक से नहीं करना है सॉरी, मॉड्यूल से करना है,
ना, कैल्विन के मॉड्यूल को प्रमोट कर रहा है, कैल्विन के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना है, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा ये चार नंबर, उसी में से कोई ना क्वेश्चन मॉड्यूल बढ़िया नहीं सर, टाइम सर, आरडी शर्मा वेस्ट ऑफ टाइम है, 11th का टाइम वेस्ट हो गया मेरा उससे करके। ओके ठीक है, देखो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब अभी तक हमने जितना सीखा है ट्रिग्नोमेट्री क्या था, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको जैसा बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के साइड में स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। तो ये एंगल सपोज थीटा है बेटा, और ये एक्स है और ये एच है, मान लो ये एच आपको पता है और थीटा पता है, तो आप एक्स निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। यस सर, ठीक है, बिकॉज थीटा एक्स और h में ही तो रिलेशन को, थीटा h और x में रिलेशन को ही तो कहा जाता है sin थीटा इज इक्वल टू x बाय h। तो भाई इसमें से अब थीटा पता है तो sin थीटा भी हमें पता चल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें तो 30 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का पता है, sin 15 डिग्री का तो पता ही नहीं है। तो बेटा sin 15 डिग्री आएगा भी नहीं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, ठीक है। आपको sin 30 के बारे में ही कहा जाएगा, नहीं तो sin 45 के बारे में, नहीं तो sin 60 के बारे में, ठीक है। यही सब एंगल्स घूम फिर के आएंगे, 30, 45, 60, यही सारे एंगल्स, तीन एंगल्स जो है घूम फिर के आते रहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये तीन क्वांटिटीज हैं, थीटा, एक्स और एच, या मान लो कि वाई अगर मैं इसको कहता हूं, तो ये नहीं दिया हुआ है सपोज, तो थीटा वाई और एच, और थीटा वाई और एच के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एच, ठीक है। तो इसी में से कोई भी दो चीजें दी हुई होंगी इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें करना क्या होगा कि आपको एक तो फिगर बनाना पड़ेगा, और कोई भी दो चीजें दी हुई होंगी, थीटा और एच दिया होगा तो वाई निकालना होगा, जिसको डिस्टेंस कहा जाता है। और मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दिया होगा और ये नहीं दिया होगा, ठीक है। तो थीटा और एक्स दिया होगा तो वाई निकालना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस हो गया, और थीटा और वाई दिया हुआ है तो एक्स निकालना होगा, उसको हाइट कहते हैं, ठीक है, ये हाइट होगी ना, एक्स हाइट है और वाई को डिस्टेंस बोलेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर का कुछ लोग नाम ये भी कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, बिकॉज इसमें ना मोस्टली हमें हाइट और डिस्टेंसेस के बारे में ही फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी पतंग होती है ना, काइट, तो काइट की जो लेंथ होती है वो तो इस तरीके से, पतंग जब उड़ता है तो इस तरीके से ना, स्लैंट स्लैंट इस तरीके से पतंग को उड़ाते हो ना आप, ठीक है। यस सर, हाँ, तो पतंग की जो ये जो रोप की जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो तो हाइपोटेनियस होगा, नहीं तो मोस्ट केसेस में हमें या तो किसी चीज की ऊंचाई फाइंड करनी होती है या डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये चैप्टर है, और उसमें आपको कोई भी दो चीजें दी हुई होंगी, सपोज ये थीटा दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया है तो एक्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या थीटा वाई दिया हुआ है तो एक्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या थीटा एक्स दिया हुआ है तो वाई फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। और आप लोग देखोगे कि ये मेरे ख्याल से एप्लीकेशन है, और इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा करने में इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को। देखो ध्यान से देखो, इसमें एक दो चीजें मैं पहले बता देता हूं जो आपको आइडिया होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि बेटा यहां पर ना कोई चीज है, एक 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 टावर है, सपोज ये एक टावर है, तो टावर ना हमेशा वर्टिकल होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, करेक्ट है, टावर जो होता है वो वर्टिकल होता है। और कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की हाइट को हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सपोज यहाँ से तुम क्या करो, डी ले लो, प्रोट्रेक्टर ले लो, और प्रोट्रेक्टर से देखो, मेजर बड़ा सा डी ले लो, मतलब इस तरीके का जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है, और यहाँ से तुम ना डी का मेजर कर लो एंगल, डी से सपोज यहाँ इस तरीके से तुम अगर देखना चाहो, तो इस तरीके से तुम डी पे जो एंगल बनेगा, मतलब डी तो अपनी आंख को तुम यहाँ पर रखो, ये तुम्हारी आईज यहाँ पर होनी चाहिए, और डी को यहाँ पर रख के तुम इसके टॉप को देखने की कोशिश करो, तो इस तरीके से, और ये ग्राउंड पे होना चाहिए इस तरीके से, ये जो प्रोटेक्टर है ना, ये कुछ इस तरीके से, तुम अपनी हाइट को इग्नोर मारो, ठीक है, तुम अपनी हाइट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलो, तो इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तुम्हारे पास प्रोटेक्टर होगा जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, इस तरीके से मार्क किया हुआ रहता है ना, 30, 60, 45 प्रोटेक्टर पे मार्क किया हुआ रहता है, देखा है तुम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एंगल को मेजर कर सकते हो, हालांकि उसके लिए एक डिवाइस आता है, इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो इसका अच्छा सा नाम है, ये देखो, ये जो है थियोडोलाइट, क्या बोलते हैं इसको, सेट स्क्वायर, नहीं नहीं एनसीईआरटी में देखा नहीं, ये फिगर है देखो, ये ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, थियोडोलाइट, हाँ ये देखो, इसका नाम है थियोडोलाइट, ठीक है, ओ सॉरी,
ये इसका नाम है थियोडोलाइट, इससे मेजर किया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कब स्टार्ट हुआ होगा, जब पुराने जमाने में लोग पानी से ट्रैवल करते थे ना, समुद्र के रास्ते से ट्रैवल करते रहते होंगे, तो वहां पर करते होंगे, दिखता होगा एक एक शिप का दूसरे शिप से डिस्टेंस जो होता है वगैरह, ये सब चीजें मेजर करने के लिए करते होंगे, तो वहां पर इन्वेंट किया होगा यूरोपियंस ने, तो यही है इसके अंदर। ठीक है, तो मेजर इस तरीके से किया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक दो चीजें हैं, टर्म्स है, वो डिफाइन कर देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे इस चीज को। सबसे पहला जो टर्म इसमें हम यूज करेंगे वो है, आप मान लो एक सेकेंड के लिए कि ये आप हो यहां पर, ऑब्जर्वर है यहां पर, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में मतलब हो सकता है कि टावर का टॉप हो, ये टावर का टॉप हो सकता है या जो भी है, ये यहाँ पर आप देख इस ऑब्जेक्ट को या टावर के टॉप को आप देख रहे हो, तो टावर का टॉप ही ऑब्जेक्ट हो गया। टावर के टॉप को देख रहे हो तो टावर का टॉप जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर है एक तरीके से समझे तो, और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट काइट भी हो सकता है जब पतंग उड़ रहा होता है तो, या फिर हो सकता है कि बिल्डिंग की बिल्डिंग का टॉप हो, या हो सकता है बिल्डिंग के ऊपर कोई एक बच्चा खेल रहा है, वो हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप, ऑब्जर्वर अगर जो देख रहा होता है तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो एक कनेक्ट करने वाली जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये एक ऑब्वियसली इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लो अपने अभी जहां पर आप बैठे हुए हो अपने लाइट की तरफ देखो, एक मिनट रुक जाओ बेटा, जहां पर आप बैठे हो ना वहां से आप लाइट की तरफ देखो जहां लाइट जल रही है, ठीक है, तो वो लाइट जो है आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया और आपकी आंख जो है वो ऑब्जर्वर, मतलब अपने आप को ऑब्जर्वर समझो, तो एक लाइन आपको कनेक्ट कर रहा होगा, मतलब वो एक लाइन इमेजिनरी लाइन है। तो वो जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, ठीक है। और एक ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आप समझ सकते हो कि ग्राउंड के पैरेलल लाइन है, इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्राउंड के पैरेलल होती है, और लाइन ऑफ साइट जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती हुई लाइन होती है, और दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट को वो सिर उठा के ऊपर देख रहा है, इस तरीके से है ना, मतलब ऑब्जर्वर यहां पर, ऑब्जर्वर जमीन पे है और ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर है, इस तरीके से तब जो एंगल बनता है ना उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि हवाई जहाज में बैठा हुआ कोई आदमी है, यहाँ पर एक गरीब आदमी को देख रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या हो गया, ऑब्जर्वर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्जर्वर ऊपर है हवाई जहाज के अंदर, ठीक है, इस हवाई जहाज के अंदर है वो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, या तुम सोचो कि छत पे बैठे हुए है ना, 10वीं मंजिल के बिल्डिंग पे बैठे हुए हो और देख रहे हो पार्क के अंदर कोई बच्चा खेल रहा है उसको देख रहे हो, तब जो ये लाइन ऑफ साइट होगा और ये ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन होगी इमेजिनरी लाइन, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ है और ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट जब हाँ जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा ना, अब जैसे तुम ऊपर उठ छत को देखना है, तुम जहां पे अभी सीलिंग को देखनी है तुम्हें, तो सीलिंग को कैसे देखोगे, अपनी गर्दन उठानी पड़ेगी तुम्हें, सीलिंग तुम्हारे ऊपर ही होगा डेफिनेटली, जहां कहीं भी तुम लोग सारे बच्चे बैठे हो, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जब तुम अपने मान लो बेड पे बैठे हो या फिर चेयर पे बैठे हो नीचे की तरफ देखोगे, एक चींटी चल रही है, चींटी को देखना है तुम्हें नीचे, तो सिर झुका के देखना पड़ेगा, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। ऑब्जर्वर जब भी ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ऑब्जर्वर जब भी ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ऑब्जर्वर जब नीचे होता है और ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये दो मेन चीजें हैं जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है, और यही सफिशियंट है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को मैनेज करने के लिए, इतना नॉलेज सफिशियंट है, ठीक है। हाँ आप पूछो, क्या डाउट है, एनसीईआरटी में भी फोटो बना के दिया हुआ है,
ये फिगर बना के दिया हुआ है, देख सकते हो आप ना पतंग जा रही है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाइट जो बच्चे की हाइट है ना, इस बच्चे की हाइट को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन होती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, और लाइन ऑफ साइट इनके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। यहीं पर मान लो कि ये यहाँ पर बच्चा होता और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो फिर उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता। ये भी दिया हुआ है फोटो, वेरी गुड, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये एक फुटबॉल है, एक बच्ची वहां पे छत पे खड़ी है, देख रही है उसमें देखो, तो ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट एक वर्चुअल लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और इसके बीच का जो ये एंगल है इसे एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ग्राउंड के पैरेलल है, तो ये एंगल क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये एंगल थीटा हो जाएगा। और फिर मान लो कि तुम्हें ये पता है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, मान लो तुम्हें बता दिया गया कि ये 30 मीटर ऊपर है, 30 मीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 10 मीटर ऊपर है, ठीक है, और ये एंगल मान लो बता दिया कि 30 डिग्री है, तो बताओ कि यहाँ से घर से कितनी दूर पे ये फुटबॉल कितनी दूर है, तो ये तुम निकाल सकते हो ना, 10-30 डिग्री लगा के, 10-30 डिग्री लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस 10 अपॉन में अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, 10 हो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ फुटबॉल नहीं देख रहा है लड़की को, लड़की देख रही है फुटबॉल को, तो तुम जो कह रहे हो ये फुटबॉल के लिए एलिवेशन 30 डिग्री है, फुटबॉल कोई उसकी आंखें हैं जो वो देखेगा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, लड़की देख रही है, देखो ये तुम समझे नहीं ना, चीजों को समझे नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम इसमें देख करके, मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो कॉन्सेप्ट होता है जब ऑब्जर्वर नीचे होता है और ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, तब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो बात इतनी सी ही है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे होगा और ऑब्जर्वर ऊपर होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब ये एंगल जो है ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो थीटा है वो ये भी थीटा ही है, लेकिन ये जो एंगल है, मतलब ये आप समझो इस बात को कि मैं क्या बताऊं आपको, एक मिनट रुक जाओ, ये जो आप एंगल आपको थीटा दिख रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, ये इसके इक्वल जरूर है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल है, लेकिन ये जो एंगल आपको दिख रहा है अब जो दिख रहा है ये एंगल आपको, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, ठीक है, समझ में आया, हाँ बोलो सर, अगर फुटबॉल हटा के हम एक और ऑब्जर्वर ही लगा दे वहां पे, तब तो वो थीटा सर हो सकता है ना उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटा दो, यहाँ पर तुम ऑब्जर्वर को लगा दो, तो एक ऑब्जर्वर है जो दूसरे, मतलब दूसरे को देख रहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, तब सही है, तब बिल्कुल सही है कि अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा और इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, तब इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, अगर हम ऐसे अगर ले भी लेंगे, ऐसा सिचुएशन कभी आएगा ही नहीं कि एक ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर को देख रहा है इस तरीके से, नहीं आता है ना, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, मतलब मैं सर ऐसा कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम ऐसे ऐसे केसेस में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ले, तो हमारा क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ना, क्यों करोगे भाई, ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना, अभी समझाया मैंने, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये थीटा वन जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और थीटा टू जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, बट स्टिल थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू है, बात खत्म, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल नहीं होता है, वो ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हो रहे हैं बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बस इतनी सी बात है, अब आप इसको जैसे भी सोचना चाहो सोचते रहो, लेकिन कोई फायदा है नहीं, यस सर, ओके सर, क्लियर है, ये देखो एक एग्जांपल देखते हैं आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये देखो आपको इस सिचुएशन को समझना है, एक वर्टिकल टावर जो है वो टावर ऑब्वियसली वर्टिकल होता है, हालांकि इन्होंने लिख भी दिया है लेकिन आपको
थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस यूज करना है कि जो घर होते हैं, जो हाउसेस होते हैं, वो वर्टिकल इस तरीके से होंगे. ऐसा नहीं कि घर जो होगा वो कुछ जमीन पे इस तरीके से टिल्ट होगा, इस तरीके से नहीं होता है. तो टावर जो है वो वर्टिकली जमीन के ऊपर खड़ा है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो टावर तो मैं बना नहीं सकता हूँ उतना अच्छा, मेरी पेंटिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसी को टावर मान लेता हूँ. ये जो है ना ए बी, ए बी को मैं कह देता हूँ कि ये टावर है, और इसके फुट ऑब्वियसली यहाँ पर होगा जमीन पे, ये 15 मीटर दूर. द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, देख रहा है, देख रहा है एंगल कितना दिख रहा है उसको, 60 डिग्री. कह रहा है हाइट निकालो, ये निकालो हाइट ए बी. दो चीजें दी हुई थी, 15 रूट 3 मीटर. तो बेटा देखो ये चीज लिखना भी जरूरी है, क्योंकि आप सेंटेंसेस नहीं लिखोगे खाली फोटो बना करके, फिगर बना करके और सीधा 10 30 डिग्री 10 60 लगा दोगे ना, तो उसमें आपको चार में से चार नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, उसमें आपको एक नंबर या डेढ़ नंबर कट जाएगा. तो ध्यान रखना है, पहले तो आप ये लिखो कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर एंड इन ट्राइंगल ए बी सी. फिर आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी. और फिर लिखना यहाँ पर रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी की जगह पे ए बी छोड़ दो और यहाँ पर 15 रूट 3 मीटर. ठीक है, ये आंसर हो गया. अब यहाँ पर क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम लोग रूट थ्री को रूट थ्री ही छोड़ देंगे, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट नहीं करेंगे. एनसीईआरटी वालों ने इनका बहुत ही अच्छा सा एक फिगर बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो. देखो ये सॉल्ड एग्जांपल्स लिया था मैंने क्वेश्चन, देखो ये टावर है, ये टावर है, और इस तरीके से 15 मीटर डिस्टेंस हाइट निकालनी है. देख सकते हो आप, विजुलाइज कर सकते हो कि कैसा क्वेश्चन होगा, कैसा फिगर होगा. ये 60 डिग्री कैसे मेजर करेंगे, डी से, डी जो होता है ना डी से मेजर कर लेना आप. यहाँ पर रखना, यहाँ पर इस आंख से देखो कि भाई इसके टॉप को देखने की कोशिश करो कितना एंगल बन रहा है, तो जो भी एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सर इस क्वेश्चन में अगर रूट थ्री की वैल्यू पुट ना करे तो आंसर गलत होगा? नहीं, गलत नहीं माना जाएगा सर, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ले सकते हैं. यू मे. नहीं सर, अगर नहीं लेंगे तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अभी समझ में आ जाएगा. वैल्यू ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब इसने लिखा हुआ है ना, इतनी मेहनत की है तो तुम ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. ले लेना चाहिए बेटा, ले लेना चाहिए, आई एम सॉरी, ले लेना चाहिए. रूट थ्री की वैल्यू ले लेनी चाहिए. ये मे वर्ड का यहाँ पर मतलब अलग है, कोई बताएगा क्या मतलब है? मे वर्ड का यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है. वो इरेशनल है, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए उसके लिए लिया हुआ है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. राउंड ऑफ कर दिया, हाँ राउंड ऑफ कर दिया है. तो एक्चुअली होता नहीं है, रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होता नहीं है. ये कह रहा है कि तुम ले लो भाई 1.73, ले लो रूट थ्री की वैल्यू, ले सकते हो. इक्वल नहीं होता है, बट तुम इसकी वैल्यू इसके बराबर ले सकते हो. ये फिगर भी बना हुआ है, आप देख सकते हो इस तरीके से पोल पे जा रही है, पता नहीं करंट ना लग जाए इसको. तो इसकी हाइट जो है, रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट, ये 5 मीटर दी हुई है. ठीक है जी, ये 5 मीटर इसकी हाइट है. शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक. अच्छा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1.3 मीटर है, आई थिंक, हाँ इस तरीके से इतना. मतलब जो खराबी ठीक करने के लिए जो जहां पर उसको पोल पे पहुंचना है वो टॉप से 1.3 मीटर नीचे है. समझ में आई बात? 1.3 मीटर ऊपर तक जाना है उसको, सीढ़ी जहां तक लगी वहीं तक जाएगी, वहां पर जाएगी ये, यहां तक बी पॉइंट तक. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री to the horizontal would enable her to reach the required position. बात बड़ी सीधी सी है भाई कि 60 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, 5 नहीं बल्कि ये कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा बेटा,
वेरी गुड वेरी गुड। 3.7 मीटर तो इसकी बीडी की लेंथ होगी। तो बीडी पता है हमें, एंगल सी पता है हमें, और हमें सीडी की लेंथ निकालनी है, मतलब बीसी फाइंड करना है। तो बीसी और बीडी इनमें क्या रिलेशन होता है? बीसी बीडी और 60 डिग्री में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल बीडीसी में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बीडी बाय BC। और साइन 60 डिग्री की याद है किसी को कितना होता है? √3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा? BC। अब यहां से BC आ गया, BC कितना आएगा भाई? इसके बाद यहां लिख रहा हूं, BC की वैल्यू हो जाएगी 5.14, कितना आएगा, सॉरी 7.14, ये होगा ना? यस 7.4 7.4 होगा, सॉरी 7.4 अपॉन में 1.73। ठीक है, अब ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे, कर लो तुम लोग इसको ना, सिंप्लीफाई कर लेना। कितना आ जाएगा ये? 4.28, मैंने देख लिया आंसर, 4.28 आएगा अप्रोक्सीमेट, तो 4.28 मीटर हो गया। ठीक है, इसमें ये भी पूछा गया है, also how far from the foot of the pole should the, she place the foot of the ladder, मतलब DC भी find करने के लिए कहा गया है। तो DC कैसे find करेंगे बच्चों? tan 60 लगा सकते हैं। हाँ, tan 60 लगा सकते हैं। also tan 60 degree is equal to 3.7 मतलब BD by DC। इसमें दो चीजें पूछ ली इसमें, तो ये सीरी जो लैडर की लेंथ है वो भी फाइंड करने के लिए कहा गया, और डीसी की लेंथ भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो दो चीजें पूछ ली, तो पहले का तो आंसर आ गया, सीरी की लेंथ यही है, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 4.28 मीटर। और अब बात करते हैं डीसी की लेंथ की, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू बीडी। बीडी कितना है बेटा? बीडी है 3.7 डीसी, तो डीसी की लेंथ हो जाएगी 3.7 डिवाइडेड बाय 1.73। आप इसको ना, आप चाहे डिवाइड कर लो, आप जैसे भी करते हो डिवाइड, कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं होगा, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2.14 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो लास्ट में कैलकुलेटर तो कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, जो कि अच्छा लगता है एग्जामिनर को देखने में, वो ये कि हेंस लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट। और साथ ही साथ लिख दो कि ये वाला लेंथ ऑफ फुट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल एंड लैडर इज इक्वल टू 2.14 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना बोर्ड के एग्जाम में मत भूलना, जरूरी है ये करना आपको। तो नहीं करेंगे तो एक नंबर कटेगा, आधा नंबर। हाँ, तो कुछ देखो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो 100 नंबर वाले बच्चे होते हैं ना, 100 नंबर वाले बच्चे ये सारी चीजें लिख देते हैं, उसमें कुछ भी छोड़ते नहीं है वो। बाकी 98-97 वाले तो ढेर एक बच्चे होते हैं, ऐसा थोड़ी है, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं जो कि 97-98 पे अटक जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि वो 100 डिजर्व नहीं करते हैं, वो थोड़ी सी चलाकी दिखा देते हैं, मतलब ओवर स्मार्ट जिसको कहते हैं ना, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। सर बाकी के एग्जांपल्स नहीं करेंगे? सॉल्ट एग्जांपल तुम लोग खुद से कर लेना देख के। सॉल्ट एग्जांपल तुम लोग खुद से ही करना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। अभी हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, इसमें मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, इसमें भी दो चार क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद से ही करोगे, और कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये रहा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो।
सर ब्लैक स्क्रीन आ गई, सर ब्लैक स्क्रीन आ गई। ओके 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 सर 10 मीटर सर 10 मीटर सर 10 मीटर सर 10 मीटर आना चाहिए। साइन 30 लगा दे। 10 मीटर यस सर। साइन 30 1/2 यस। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ए बी बाय ए सी, तो 1/2 होता है। साइन 30 तो 1/2 होता है, लेकिन ए बी तो हमें पता नहीं है और ए सी दे रखा है। ए सी 20 मीटर 20 मीटर 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। तो इस तरीके से करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। How to prove sine 2a is equal to 2 sine a? इसको तुम a is equal to 0, तो इसको तुम ऐसे नहीं प्रूव कर सकते हो। वो वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। सर 8√3 मीटर सर 8 + 1 8 × 1 + √3 आएगा। ये मान लेते हैं कि ये यहां से देखो, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो एक तरीके से ये वाला पोर्शन टूट के गिरा हुआ है। मतलब ये जो मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया है, ये वाला पोर्शन जो है ये टूटा हुआ पार्ट है। तो ए बी टोटल हाइट मान लेते हैं। लेट ए बी बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। एंड BC is equal to CD. BC is equal to CD is broken part. तो अब इसमें क्वेश्चन में एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये तो, और ट्री तो वर्टिकल होता है तो ये 90 डिग्री ही होगा। ट्री वर्टिकल होता है ये आपको पता होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसका मतलब ये 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ 8 मीटर। ओ सर वो नहीं दिया हुआ 8 मीटर सर, वो बेस दिया हुआ है सर, वो बेस 8 मीटर दिया हुआ है सर। वो एडी 8 मीटर सर, पॉइंट के बारे में बोला है तो पॉइंट वेयर इट टचेस और फुट के बिटवीन एडी हो सर, ए और डी के बीच का डिस्टेंस सर। अरे एडी के बीच का डिस्टेंस सर फुट ए पे। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का मतलब ये हुआ ना। हाँ ठीक है। एंड वेयर द टॉप ऑफ द, अच्छा मैंने उल्टा देख लिया, उल्टा समझ लिया था इसको, सॉरी। ये 8 मीटर है ना, फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री तो ए होगा, और जहां पर टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है वो पॉइंट डी है, तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। ओके, इन ट्राइंगल सी ए डी में अगर हम देखें तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे, सॉरी साइन 30 नहीं लगेगा, क्या लगेगा भाई? कॉस 30। साइन 30 नहीं, कॉस 30 लगेगा। तो cos 30 लगाओ तो तुम्हें ये टूटा हुआ पार्ट निकल के आ जाएगा। cos 30 कितना होता है? AD by CD। तो cos 30 तो पता ही है √3/2 होता है, और AD की वैल्यू 8 दे रखी है क्वेश्चन में, और CD की जगह पे CD छोड़ देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 16/√3। हां, तो टूटा हुआ पार्ट जो है ना, ये BC और CD जो है, BC और CD तो 16/√3 आ गया। अब इसके बाद CA निकालते हैं। CA कैसे निकलेगा? tan 30 से निकलेगा। tan 30 कितना होगा बेटा? CA by AD, tan 30 कितना होता है? 1/√3। CA कितना है? पता नहीं। AD कितना है? 8। तो CA कितना हो जाएगा? 8/√3। ठीक है, ये आ गया। तो अब टोटल हाइट है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा बच्चों? यस, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा
ऐड करेंगे इसको, है ना, क्योंकि टूटा हुआ पार्ट BC है, BC और CD बराबर है, तो BC प्लस CA, BC प्लस CA का मतलब 16 बाय रूट 3 प्लस 8 बाय रूट 3, तो ये आ जाएगा 24 बाय रूट 3। चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, 24 रूट 3 बाय 3 हो जाएगा, तो 8 रूट 3 आ जाएगा, 8 रूट 3 मीटर आ जाएगा। यही है हाइट ऑफ द ट्री। यस सर, आई होप समझ में आया होगा। यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर उसे थोड़ा जूम कर दीजिए। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एक ही क्वेश्चन है ये। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल slides. फिर दो बार निकलना पड़ेगा इसमें। ओके, दो फिगर बनाने पड़ेंगे इसमें, है ना? यस सर। पहले साइन 30 फिर साइन 60 कर लेना। साइन 30 से फिर साइन 60। ये एक तो ये वाला बनेगा इस तरीके से। ये जो सी सॉ जो बनाते हैं जिस तरीके से, देखो एक तो ये है कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल पे टिका हुआ है। यस सर। और इसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, ये 5 साल के बच्चों की। 4-5 इयर्स ओल्ड, ठीक है, 5 साल के बच्चों के लिए। और एल्डर बच्चों के लिए ये बनेगा जिसमें की हाइट जो है 3 मीटर। अच्छा, ये बच्चे खतरों के खिलाड़ी हैं तो इनके लिए जो है थोड़ा सा हाइट ज्यादा कर दो, ठीक है, 3 मीटर हाइट कर दो, एंगल को बढ़ा दो, 60 डिग्री कर दो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? पहले का 3 मीटर, फिर दूसरे का 2-3 मीटर। वेरी गुड, DEF, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, लेट AC एंड DF बी द लेंथ ऑफ younger and length of seesaw, na yahi kehte na isko, slides hai, length of slides for younger and older children respectively। ye baat aap likh do ek statement। ab uske baad इन ट्राइंगल ABC में जैसा करते हैं वही करेंगे भाई, हमें इसमें सीसॉ की लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो साइन 30 लगाएंगे। साइन 30 क्यों? बिकॉज़ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अपोजिट साइड दिया हुआ है, हाइपोटेनस AC निकालना है, तो उसमें तो साइन ही लगेगा, 10 लगा के तो कोई फायदा है नहीं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC हो जाएगा बेटा, और यहां से आप साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखो, AB की वैल्यू 1.5, वेरी गुड, और AC की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। हाँ, और ऐसे ही DEF में भी देख लो, ऐसे ही ट्रायंगल DEF में भी फाइंड कर लो, साइन 60 लगा के, साइन 60 √3 आएगी उसमें, √3। ओके, ये आ जाए √3/2 इज इक्वल टू DE की वैल्यू 3/DF, तो DF हो जाएगा 6/√3। 6/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3। यस, लास्ट में कंक्लूडिंग ओके बच्चों, ओके, इस तरीके से कर सकते थे इसको। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ना एक बार, जिन बच्चों ने किया हुआ है सारे क्वेश्चंस ट्राई कर रखे हैं, हेंस द लेंथ ऑफ, हाँ, तो वो बच्चे तो अच्छी बात है कर चुके हैं, तो रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना। जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं किया हुआ है और पीछे का भी, वो बच्चे प्रैक्टिस करके आना, और अगली क्लास में इसमें जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स पूछेंगे आप लोग। और कल की क्लास में तो वैसे कोशिश करेंगे हम लोग मैथ करेंगे, मैथ कंप्लीट कर लेंगे और टाइम बचा तो फिर मैथ्स करेंगे, और डाउट्स पूछना हो तो अगली क्लास में डाउट पूछ सकते हो। और प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप लोग सॉल्व करके एक बार आओगे ना तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिना सॉल्व किए, मैंने जैसे बता दिया अभी
तो इससे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है कभी भी। तो तरीका यही है कि आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करके आओ, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें, हाँ उसमें आप डाउट पूछोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए ज्यादा वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। मैट करेंगे कल, मैट करेंगे। हाँ सर, कैलेंडर वाला पूरा ही टाइम लेगा? हाँ उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर भी करता है कि मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि नहीं। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। हाँ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है तो क्लास ऑफ कर रहा हूँ मैं, किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। बाय सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन।